नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेजन पंचायत चुनाव को लेकर चौपाल पर चर्चा के लिए हम नीमच जनपद के अंतर्गत आने वाली पंचायत जमुनिया खुर्द पहुंचे हैं। यहां पर चार उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ में कारूलाल जी खारोल जो है पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार, हमसे चर्चा करेंगे आखिर सरपंच क्यों बनना चाहते हैं और क्या विकास को लेकर क्षेत्र में सोचे। कारूलाल जी, सबसे पहला सवाल करना चाहूँगा, आखिर सरपंच बनने के पीछे आपकी चाहत क्या है, क्यों सरपंच बनना चाहते हैं? सर, मेरे सरपंच बनने का एक ही उद्देश्य है कि गांव में पेयजल नल व्यवस्था, गांव के जो कुछ गली बची हुई वहां पे आरसीसी गली में करवाना है, नालियों में जो गंदगी फैली हुई है इनकी साफ सफाई करवाना है, और जो पात्र लोग अभी वंचित है जिन्होंने मकान नहीं मिले, गरीब वर्ग में आते हैं उनके लिए मकान की योजना उन तक लाना पहुंचाना। कितने गांव लगते हैं आपकी पंचायत के अंतर्गत? सर, मेरे पंचायत के अंदर 5 गांव। कितने वोटर हैं? लगभग 2202 वोटर। क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या है, जनता की भी लगातार आप गए होंगे चार पांचों गांव के अंदर, समस्याएं क्या है मुख्य लोगों की? जैसे कि मेरी पंचायत में जेतपुरा गांव है, वहां पर अभी तक पेयजल की नल व्यवस्था नहीं, उन लोगों को दूर कुएं से पानी भर के लाना पड़ता है, उनके लिए जल की बड़ी समस्या है। और बाकी गांव में भी चौथ खेड़ा में भी नल की व्यवस्था है, जैसे जमुनिया खुर्द में तो नल व्यवस्था है, बाकी दुल्लाखेड़ा में भी नल व्यवस्था है, रावत खेड़ा और चौथ खेड़ा और जेतपुरिया में नल व्यवस्था नहीं है। सबसे मुख्य समस्या है जमुनिया खुर्द, जिस गांव में आप रहते हैं यहाँ के लोग हैं, यहाँ से मुख्य मार्ग जोड़ने वाली जो सड़क है उसकी बदहाल तस्वीरें काफी समय से हैं। बारिश का समय आने वाला स्वीकृति हो चुकी है, कब से ही नेता लोग ये बताते हैं, लेकिन लोग किस तरीके से परेशान है और इसको लेकर किस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे अगर जनता भरोसा करती है? सर, ये सड़क तो बन गई है, वो विधायक साहब महोदय आए थे, उन्होंने बोला कि ये सड़क अपनी मंजूर हो गई है, कुछ ही क्षणों में काम चलने वाला है, पर अभी जो बारिश होने के समय में इस सड़क पे बहुत परेशानी आएगी, आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। पंचायत की हालत देखी जाती है, पंचायत खुद अवैध अतिक्रमण में पड़ी हुई है, एक तरीके से अंदर देखा जाए अवैध अतिक्रमण, पंचायत की बदहाल तस्वीर है, सब गांव का विकास कैसे हो पाएगा? सर, पंचायत के तो सरपंच और मंत्री को चाहिए बनने के बाद कि पहले पंचायत अपना घर है, अब उसका विकास करना चाहिए, क्योंकि पंचायत में बैठने का यही उद्देश्य नहीं है कि बस पैसा ही कमाना, पंचायत का भी कुछ पहले विकास करना चाहिए, अपने घर को स्वस्थ रखेंगे तो आगे स्वस्थ होगा। सरपंच बनने के पीछे गांव का विकास या अपना विकास? गांव का विकास। सरपंच अगर क्या कोई दो कारण बताए जनता आपको क्यों चुने क्षेत्र की? जनता को कुछ देखा होगा, अपना व्यवहार देखा होगा, आदमी को देखा होगा कि निर्दोष आदमी है तो ईमानदार है, तो इसलिए कि सरपंच बनो और विकास करो। लगता है जीत मिलेगी आपको? नहीं बता सकते, दो उम्मीदवार है इसलिए जीत का तो क्या, ईश्वर के भरोसे है, जनता जनार्दन है। क्या साल से सक्रिय आप जनता के विचार? जनता के जब से मैं इस गांव में रहा था आज दिन तक जनता की सेवा में, ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा, ना कोई किसी से दुश्मनी, सबसे व्यवहारी है। हमारे साथ में राजेंद्र राव मराठा जो हैं जमुनिया खुर्द के निवासी, ये भी सरपंच पद की दावेदारी करें, इनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, सबसे पहले सवाल करना चाहूँगा, सरपंच बनने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, आखिर क्यों सरपंच बनना चाहते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत से लोगों को आवास नहीं मिले, गाँव में कच्चे मकान है, बहुत समय से आवास योजना चालू हुई कि 2022 तक सबके आवास बन जाएंगे, कोरोना काल की वजह से नहीं बन पाए, और जब सर्वे हुआ तो अधिकतर पक्के मकान वालों का हो गया, कच्चे मकान वाले रह गए, इसीलिए मैंने ये सोचा कि भाई जो कच्चे मकान हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास में नाम जुड़ाएंगे और उनको मकान दिलाएंगे, ये मुख्य कारण यही है। पंचायत के अंतर्गत 5 गांव लगते हैं, मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं गांव में? पेयजल और नाली और सीसी रोड की सभी जगह समस्या है। पेयजल के लिए हमारे यहाँ जमुनिया खुर्द में तो अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं पानी की, चौथखड़ा और जेतपुरा में अभी नल व्यवस्था नहीं है और पानी की वहाँ समस्या बरकरार बनी हुई है, वहाँ नल योजना चालू करने का पूरा अपना विचार है और वहाँ नल योजना लगाएंगे। 7 साल में क्या विकास कार्य हुआ है, कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे, लगातार जनता के बीच जाते, क्षेत्र की क्या स्थिति है? सीसी रोड और हमारे गाँव की एक समस्या थी पुलिया की, उसमें सीसी रोड पुलिया निर्माण हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पंचायत के बाहर तो सड़क नहीं बन पाई, ये सड़क की समस्या PWD यहाँ मंजूरी हो रही, बजट अधिक 1,23,00,000 होने की वजह से नहीं हो पाई, फिर अभी विधायक महोदय ने जो है CM ने 15 करोड़ हर विधायक को बजट में दिया था कि ये सड़कें मंजूर कराओ, तो हमारे ग्राम पंचायत जमुनिया खुर्द के रावत खड़ा, दूल्हा खड़ा, चौथ खड़ा और जमुनिया खुर्द के चारों सड़कें 4 लेन से जोड़ने के लिए स्वीकृति कर दी है। उम्मीद है इस कार्यकाल में बन जाएगी, इसी कार्यकाल में बन जाएगी, टेंडर अभी राशि जारी हो गई मगर टेंडर नहीं हुए, आचार संहिता लग हुई, उसके बाद तुरंत कार्य चालू हो जाएगा। आप पहले भी कोई चुनाव लड़े हैं क्या? सती है इससे पहले 2000 से 2005 में मैं सरपंच रहा था,
क्या विकास कार्य हुए क्षेत्रों को, क्या विकास होगा? इस गांव में पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, चारों तरफ गांव के कुएं लगवाए और नल योजना में पानी पूरे गांव को पानी पिलाने की व्यवस्था करी। इसमें फर्शीकरण पूरे गांव में फर्शीकरण कराया था और ऐसे ही 26-25 गाँव में मैंने काम कराया था। सभी गाँव में कुएं खुदवाए थे, 3 गाँव में नल योजना बाकी रह गई थी जो बाद में नहीं हो पाई। लगातार 3 बार आप चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद से एक बार तो आप रहे थे, उसके बाद से लगातार चुनाव आप हारते आ रहे हैं, आखिर जनता चुनेगी तो रीज़न क्या रहेगा, क्या दो खासियत है आपकी? विकास के आधार पे ही मुझे चुनाव मैंने लड़ा है और उसके आधार पे मुझे मतलब जनता चुनेगी, ये मेरा अनुभव है कि मुझे अभी तक बीच में हार होने का रीज़न क्या मानते हैं? हार का रीज़न जातिवाद का एक मुख्य कारण रहा। मैं मेरी समाज से एक मराठा समाज का एक ही मेरा परिवार है यहाँ पे 5 गाँव में और समाज के जातिवाद की वजह से मैं हमेशा पिछड़ जाता हूँ, यही एक कारण रहा और कोई कारण नहीं। इस बार चुनावी मैदान में आप ही के गांव से 2 उम्मीदवार है, बाकी वोट बैंक देखा जावे तो एक एक उम्मीदवार है, ऐसे में लगता नहीं कि इस बार फिर कहीं ना कहीं आपके गांव से 2 उम्मीदवार होने के कारण मुसीबतें रहेगी? नहीं, विकास के आधार पर मुझे वोट मिलेंगे, जातिवाद नहीं चलेगा इस बार, ऐसा मुझे लग रहा है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? 100-125% मुझे जीत का आश्वस्त है। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अगर जनता भरोसा करती है तो? मैं शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल का निर्माण करूंगा, इसकी मेरी शुरू से इच्छा थी। मेरा पिछले कार्यक्रम में मुझे उम्मीद थी कि हाई स्कूल बनवाएंगे, नहीं बनवा पाएंगे, इस बार हाई स्कूल बनाएंगे। 4-लाइन में बच्चों को जाने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हमारे 4-5 गांव लगते हैं, हाई स्कूल खुलवाएंगे। यहां के युवा मेन समस्या लेके आते हैं, कई बार जनसुनवाई में देखा खेल मैदान को लेकर, अवैध अतिक्रमण इसको लेकर युवा कई बार जनसुनवाई में जमुनिया खुर्द के आते हैं, क्या मामला आपके संज्ञान में आया, क्या आपने कभी प्रयास करे? यहाँ खेल मैदान के लिए कोई जमीन नहीं है, अवैध अतिक्रमण किसी भूमि पर, उसको लेकर लगातार आवेदन दिया जा रहा है। इससे कोई अवैध अतिक्रमण मेरे नॉलेज में तो नहीं है सर। ये थे हमारे साथ में राजेंद्र राव मराठा, जिन्होंने बताया सबका साथ सबका विकास के लेकर हर गरीब आदमी को लाभ मिले इसको लेकर प्रयास किए जाएंगे। हालांकि देखना है 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जमुनिया खुर्द से 2 उम्मीदवार हैं, देखना है सरपंच का ताज किसके सर होता है और आगामी चुनाव में क्या नतीजे निकल कर आते हैं और क्या गाँव में विकास की तस्वीरें बदलेगी या लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे।